आईआईडी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैंडल मेकिंग बिजनेस आइडिया के बारे में। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप छोटे स्तर पर लगभग 10,000 से 20,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैंडल मेकिंग के पूरे प्रोसेस के बारे में। हाय, मेरा नाम राजेश राजौरिया है और मैं यहाँ पर आपको मोमबत्ती या कैंडल बनाने के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और इसमें क्या क्या मटेरियल और औजार यंत्र इस्तेमाल होंगे उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हम जो वैक्स है, ये सॉलिड वैक्स आती है, इसको हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। एक बर्तन लेंगे, बर्तन के अंदर इसको डाल के गैस चूल्हा जो भी है, भट्टी है, उसकी मदद से अभी 5 मिनट पहले जो हमने मोम इसमें डाला था केतली में, और वो पिघल चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी की तरह हो गया। ये देखिए, हमें इसको पानी की तरह ही बनाना होता, सिर्फ केवल इतना ही पिघलाना है कि पानी की शेप में आ जाए, ताकि ये मोल्ड्स में डालने में आसानी रहे। अब हम इसको अगला प्रोसेस शुरू करते हैं, इनको डाई मोल्ड्स में डालेंगे। अब ये पिघला हुआ मोम जो है, अब ये डाई का ये सांचा है एल्युमिनियम का, अब देख रहे हैं ये सांचा। इसमें पहले हम, ये धागा है इसका जो थ्रेड इसको बोलते हैं, ये धागा इसमें डालेंगे पहले। ये धागा इस तरह से ये इसमें लगाएंगे, यहां पर धागा लगाने के बाद ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इसके सेंटर में, बीच में है बिल्कुल धागा, और ये वापस इसको क्लैंप से इसको यहाँ पर टाइट कर दिया और ये इसको यहाँ पर ऐसे खड़ा कर दिया। आप देख रहे हैं, अब ये जो पिघला हुआ मोम है हम इसके अंदर भरेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये केटल ही क्यों ली, ये चाय की केतली लेने से बेनिफिट है, एक तो हमारे यहाँ पर हाथ नहीं जलेंगे इसको मोम डालते समय, और आसानी से हम किसी भी जगह पर इसको डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मोम इसमें डाल दिया गया है। हमको कुछ डिजाइनर कैंडल बनानी है तो उसके लिए ये धागा इसमें फंसा दिया है। अब इसमें भी ये पिघला हुआ मोम इसमें हम डालेंगे। डाई मोल्ड में अभी हमने जो मोम इसमें पिघला हुआ गर्म डाला है, तो पूरा डाई को सांचे को हम इस तरह से पानी में डालकर ठंडा करेंगे। पानी में ठंडा करने के बाद इसका यहां पर एक क्लैंप हटाएंगे इस प्रकार, इस प्रकार से यहां पर ये इसका धागा यहां से काट देंगे। हल्का सा ये यहां से भी इसको कट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत मोमबत्ती यहाँ पर तैयार है। इसी प्रकार से हमने ये फूल वाला एक सांचा है जो गुलाब का फूल बनेगा एक तरह से मोमबत्ती का, और ये भी हमने इसमें मोम भरा हुआ है। अब इसको ठंडा कर रहे हैं इसमें पानी में, मोल्ड को, डाई को। यहाँ से इसको नीचे से धागे को कट करेंगे यहाँ से, और धागा यहाँ से हटा देंगे। एक बार यहाँ नीचे से भी कट करेंगे इसको, जो फालतू मोम है इसमें जो आ गई है उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे, साफ करेंगे। इसको हल्के हाथ से, ये जो मोम इसमें डाला हुआ है
डाई को हल्के हाथ से खोलने की कोशिश करेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे तो उसको ये टूट भी सकता है। आप ये देखिए, इसमें से बड़े आराम से ही ये निकल आया है और अब ये देखिए, ये फ्लावर तैयार हो गया है। यहां पर यहां से इसको नीचे से कट करेंगे और ये यहां से इसको कट करेंगे। अब ये आपका ये फ्लावर तैयार है। इसको फ्लोटिंग कैंडल बोलते हैं, पानी में तैर भी सकती है। ये टी लाइट का पूरा डाई है, इसके अंदर ये इस तरीके से आप इसमें कलर भी बना सकते हैं। अगर आपको भी किसी ऐसे ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया के बारे में एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है तो IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको इस बिजनेस को शुरू करने और सफलतापूर्वक चलाने में आपका पूरा सहयोग देगा। आप आज ही स्क्रीन पर दिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर भी विजिट कर सकते हैं।